आज के महंगाई के दौर में हमें एफडी में इन्वेस्ट करना सही है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है, कहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न मिलता है हमारे पैसों पे? बहुत सारे लोग कहेंगे यार म्यूचुअल फंड में तो बहुत बड़ा रिस्क है, हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। तो रिस्क तो बैंक में पैसे एफडी करने में भी है। बहुत सारे ऐसे बैंक है जो डूब गए हैं और लोगों ने वहाँ पे एफडी करी थी, वो एफडी के पैसे डूब गए हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ 50% की ही हमें सिक्योरिटी देती है, यानी कि अगर हमारे पैसे बैंक में एफडी के स्वरूप में है तो 10 लाख रुपए अगर हमारे बैंक में होंगे तो बैंक डूब जाने पर सिर्फ 5 लाख रुपए ही हमें रिटर्न मिल पाते हैं। तो रिस्क तो बैंक में भी है इन्वेस्ट करने से, और रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर भी है, लेकिन जो बैंक में हमें रिटर्न मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा हम सेम टाइम में यानी सेम टाइम पीरियड में म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्ट करके या SIP करके बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो लोग बैंक में पैसा रखना प्रेफर करते हैं, उन लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग डरते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में हमारे सारे पैसे यहाँ पे डूब सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे कि FD में या RD में, यहाँ पे बैंक में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं इन्वेस्ट करने के, फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है म्यूचुअल फंड, यहाँ पे हम SIP के द्वारा यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वन टाइम यानी कि हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टाइम में उसे रख कर एक अच्छा रिटर्न उसमें भी हम कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लीट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे FD, RD, SIP और लमसम। तो दोस्तों वीडियो पे आखिर तक बने रहिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग पैसे की वैल्यू जानते हैं, जो लोग फ्यूचर जानते हैं कि फ्यूचर में महंगाई कितनी और बढ़ने वाली है, तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो लोग पैसे की वैल्यू जानते हैं, पैसों की कदर करना जानते हैं और पैसे कमाना जानते हैं। दोस्तों कोई भी इंसान मेहनत करके अमीर नहीं बनता जब तक वो उसके पैसे काम पे नहीं लगाता। पैसों से पैसा ही बनता है, आपके पैसे जब आप काम पे लगाओगे आपको पैसा कमा के देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि जो भी नए वीडियो इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने FD कैलकुलेटर ओपन करके रखा है। यहाँ पे 10 लाख रुपए हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट रेट सालाना मिलने वाला है वो 6.5% होगा। 10 साल के लिए 10 लाख रुपए और 10 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड, तो 10 साल बाद जो हमारी अमाउंट बनेगी, हमें रिटर्न मिलेगा, वो टोटल रिटर्न होगा 9,05,559 रुपये। हमने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पे 10 लाख रुपये की टोटल वैल्यू बनेगी 10 साल बाद 19,05,559 रुपये, यानी यहाँ पे 9 लाख रुपये हमें मिल जाएंगे 10 साल बाद। तो क्या हमारे लिए इतने काफ़ी है? तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड में लमसम सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं आज और 10 साल बाद अगर हम उन्हें निकालते हैं तो देखते हैं कि कितना हमें यहाँ पे रिटर्न मिल पाता है, क्या FD से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर मैंने ओपन करके रखा है, यहाँ पे 12% से हम यहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिल सकता है। आप कोई भी पिछला लार्ज कैप वाला म्यूचुअल फंड उठाकर देख लीजिए, उसकी सारी डिटेल देख लीजिए, 16-17% लार्ज कैप में मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिनिमम 12% यहाँ पे एवरेज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पकड़ के यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो 10 साल ही होगा। तो 10 लाख रुपये हम 10 साल के लिए 12% से लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद हमें टोटल रिटर्न मिलेगा 21,05,848 रुपये, और यहाँ पे जो टोटल हमारे 10 लाख रुपये की वैल्यू 10 साल बाद बनेगी
वो 31,05,848 रुपये बनेगी, यानी कि एफडी दो गुना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न हमें मिलता है। वहाँ पे हमारे 19,10,00,000 रुपये के हो गए 10 साल में, और यहाँ पे 10 साल में हमारे 10,31,00,000 बन गए। तो दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हो कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारे लिए एफडी सही है, क्या हमारे लिए बैंक सही है। दोस्तों लोग बहुत सारे कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे या फिर बहुत सारी रिस्क होती है, तो दोस्तों कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है कि वो पूरा का पूरा डूब गया है। तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लार्ज कैप जो हमारी इंडिया की दिग्गज बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो आप टॉप 100 म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें बहुत सारी कैटेगरी मिलती है, ऐसा नहीं कि HDFC में ही करना है, आपको जो पसंद आए लार्ज कैप फंड उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया की जो भी टॉप कंपनी है उनमें हमारा पैसा लगाया जाता है, तो रेयर से रेयर केस में वो कंपनी डूबने के चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ जिस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया और उस म्यूचुअल फंड में जिस स्टॉक में पैसा लगाया, जिन कंपनी में पैसा लगाया, वो सारी कंपनी आज पैसा लगाया और दूसरे दिन 100% डूब गई, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं। तो आप जब भी इन्वेस्ट करना है, आपको डर लग रहा है, आपको मिनिमम यहाँ पे एवरेज पकड़ के आपको अगर रिटर्न चाहिए तो 12% पकड़ के चलिए, फिर भी आप 10,00,000 रुपये अगर आज डालते हो और 10 साल बाद लेते हो तो आपको कम से कम 31,00,000 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे 12% से ही पकड़ा है, 16-18% तक यहाँ पे लार्ज कैप लोगों को रिटर्न दे चुका है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं RD के तरफ, जो बैंक में हमें फैसिलिटी मिलती है, क्या बैंक में RD करने पर हमें सही रिटर्न मिल पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने 10,000 रुपये मुझे हर महीने यहाँ पे RD में इन्वेस्ट करने हैं, यहाँ पे 6.5% ही इंटरेस्ट रेट रखेंगे और टाइम पीरियड 10 साल रखेंगे। तो यहाँ पे हर महीना अगर हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में हमारे 12,00,000 रुपये यहाँ पे RD में इन्वेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे 10 साल बाद हमें जो रिटर्न मिलता है वो 4,89,871 रुपये होगा, और टोटल यहाँ पे वैल्यू बनेगी हमारे 12,00,000 रुपये की, तो 16,89,871 रुपये। तो लगभग यहाँ पे 12,00,000 रुपये पर RD में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं सिस्टमेटिक प्लान से, क्योंकि यहाँ पे हमारा हर महीने 10,000 रुपये कटने वाला है, तो यहाँ पे लगभग हमारे सिर्फ 5.5-5,00,000 रुपये ही बनते हैं। तो क्या हमारे लिए इतने ही सही है, क्या इससे अच्छा बेटर रिटर्न हम पा सकते हैं SIP में, तो चलिए वो भी जान। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे RD होता है, RD आप जब करते हो तो आप सिस्टमेटिक तरीके से ही बैंक में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हमें ऑप्शन मिलता है SIP का। यहाँ पे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान से हर महीने जो हमने यहाँ पे सेट करके अमाउंट रखी है उतनी अमाउंट अपने आप ही डिटेक्ट होकर SIP के द्वारा या फिर म्यूचुअल फंड में चली जाती है। तो यहाँ पे हम 10,000 ही 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, यानी हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे SIP कैलकुलेटर मैंने ओपन करके रखा है, यहाँ पे 12% से ही यहाँ पे इंटरेस्ट हमने पकड़ा है, वो भी लार्ज कैप में। स्मॉल कैप या मिड कैप होता तो यहाँ पे हमें 22-25-26-27-30% तक भी इंटरेस्ट मिलता है, तो हमें लार्ज कैप ही पकड़ा है। तो लार्ज कैप में हमने मिनिमम 12% तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, या फिर टाइम पीरियड हमारा 10 साल का होगा, 10,000 रुपये हर महीने या पे SIP कटेगी, 12% इंटरेस्ट मिलेगा, 10 साल टाइम पीरियड रहेगा, या फिर टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगी हमारी 10 साल में 12,00,000 रुपये, और या पे टोटल अगर हम या पे इन्वेस्ट पे जो 12,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए उस पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 11,23,391 रुपये होगा, और टोटल जो हमें वैल्यू मिलेगी 10 साल बाद वो 23,23,391 रुपये होगी। आप समझ सकते हो कि RD में अगर हम यही सिस्टमेटिक प्लान से इन्वेस्ट करते तो हमें वहाँ पे 12,00,000 पे कुल लगभग 5,00,000 के आसपास हमें रिटर्न मिल रहा था, और यहाँ पे SIP के द्वारा अगर हम लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे लगभग हमें 11,15,000 रुपये हमारे 12,00,000 रुपये पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल जो हमारी नेट वैल्यू बन रही है वो 23,23,391 रुपये होगी। तो RD से यहाँ पे डबल हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो दोस्तों क्या हमारे लिए बैंक की RD FD सही है, या हमारे लिए म्यूचुअल फंड SIP या लमसम यानी वन टाइम अमाउंट इन्वेस्ट करना सही है, ये हर एक के सोच पे डिपेंड है। स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे FD, RD, SIP और लमसम,
चारों के यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 साल बाद अगर हम SIP में या लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न कितना बनता है, और RD FD में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न कितना बनता है। तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे FD या RD में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं पर्सनली अगर इन्वेस्ट करूँगा तो SIP के द्वारा या लमसम में म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि फ्यूचर में जो महंगाई बढ़ने वाली है, बढ़ रही है, रोज़ महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो मेरे लिए खुद का पर्सनल ओपिनियन होगा कि मैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करूँगा। रिस्क तो सारी जगह पे है, मोटरसाइकिल चलाते वक्त अगर हम पैर सही से नहीं रखेंगे तो उसमें भी गिरने के चांसेस है, तो रिस्क हर जगह पे है, लेकिन सही जगह पे रुकना भी ज़रूरी है और सही जगह पे चलाना भी ज़रूरी है। तो मेरे लिए म्यूचुअल फंड सही है। जो लोग एक साल दो साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 10 साल के लिए अगर वो होल्ड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो उनके लिए 12% क्या, उनके लिए 20-25-30% भी म्यूचुअल फंड से आराम से मिल सकते हैं और उनके पैसों पे वो बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बैंक में हमें सही रिटर्न मिल सकता है या कहीं और थोड़ा सा रिस्क लेके हमें रिटर्न मिल सकता है, तो इसी के टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाया था। वीडियो पसंद आए, अगर कोई चीज़ यहाँ पे छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।